दिल्ली की फिर से किलेबंदी कर दी गई है। दिल्ली को आने वाली हरियाणा और पंजाब की सड़कों को खोदा गया है, उस पर कीले गाड़ी गई हैं, सीमेंट के बोल्डर, बैरिकेडिंग करी गई है, किसानों को कुछ भी करके रोका जा रहा है। और अगर जो खुद फिर भी आगे बढ़ रहे हैं उन पर आंसू गैस के बम और गोले फेंके जा रहे हैं। और हरियाणा की निरंकुश पुलिस यह भी कहते हुए सुनी गई है कि इस बार लाठी नहीं मारनी है, इस बार खोद देना है। यह असलियत है दिल्ली की बैठी हुई सरकार की। लेकिन मैं पूछना चाहती हूं, दिल्ली आने में गुनाह क्या है? क्या दिल्ली के रामलीला मैदान या जंतर मंतर पर अब किसान विरोध प्रदर्शन भी नहीं कर सकते? क्या राष्ट्र की राजधानी पर अन्नदाताओं का कोई हक नहीं है? क्या दिल्ली किसी की बपौती है? हुक्मरानों की जागीर हो गई है दिल्ली? तीन बातें कहूंगी यहां पर और ये कहनी जरूरी है। किसानों ने लगातार समाधान का वेट किया, इंतजार किया, 794 दिन हो गए हैं और उसके बाद भी आज भी किसानों को एमएसपी पर कोई भी सुनिश्चित समाधान नहीं मिला। 794 दिन पहले किसानों ने अपना आंदोलन वापस लिया था, आपकी समिति को सहर्ष स्वीकार किया था। 6 महीने से पूछ रहे समिति का क्या हुआ, सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। बजट आकर चला गया और असलियत यह है कि उस बजट में कृषि में कभी 4.5% से ज्यादा खर्चा होता था, अब वो घटते 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 2.5% के करीब आ पहुंचा है। स्टैंडिंग कमिटी, स्थायी कमिटी पार्लियामेंट की यह बता रही है कि 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर जो कृषि का खर्च था वो राजकोष में वापस कर दिया गया है। तो किसान क्या करे, वो किसका मुंह देखकर बैठे? और अब एक नई भ्रांति फैलाई जा रही है। चरण चुंबक मंडली के पास साहब की ओर से व्हाट्सएप पर एक खर्रा आया है, अरे 11 लाख करोड़ खर्चा हो जाएंगे अगर एमएसपी लग गई। मान्यवरों, दो बातें समझिए। एमएसपी जो है वो प्राइस स्टेबिलिटी के लिए होती है। अगर दाम गिर जाए, किसानों को नुकसान ना हो, तो एमएसपी पर खरीद हो। तो कभी भी पूरी एमएसपी पर खरीद नहीं होगी, प्राइवेट सेक्टर भी खरीदता है, गवर्नमेंट भी खरीदती है। यह प्राइस स्टेबिलिटी का साधन है। कोलैप्स जब प्राइस होता है तब आती है, लेकिन इतनी समझ में आपसे कहां आशा करूं। दूसरा, इतनी उत्तेजना और इतनी चिंता, 14.5 लाख करोड़ का जब ऋण माफ किया गया बड़े बड़े पूंजीपतियों का तब नहीं दिखी। जब कॉरपोरेट टैक्स काटा गया 32% से लेकर 22% और 4.5 लाख करोड़ का घाटा सहा भारत सरकार ने, तब इतनी उत्तेजना नहीं दिखी। किसान की बात होगी और उत्तेजना शुरू हो जाएगी। और अब एक नई चीज कही जा रही है, चुनाव नजदीक आ गया तो किसान ये कर रहे हैं। हां बिल्कुल कर रहे हैं, चुनाव ही तो टाइम होता है नफा और नुकसान देखने का, चुनाव ही तो टाइम होता है रिपोर्ट कार्ड पर नंबर देने का। आपको क्या लगता है, चुनाव पास आ गए तो देश के बेरोजगार, देश के युवा, देश की महिलाएं, देश के किसान, देश के श्रमिक कुछ नहीं बोले, उंगली मुंह पर रखकर चुप हो जाए क्योंकि चुनाव पास आ गया है? यही तो वक्त है सरकार को आईना दिखाने का, और बिल्कुल ठीक कर रहे हैं किसान जो सरकार को आईना दिखा रहे हैं। और मैं साधुवाद करती हूं राहुल गांधी जी का, कांग्रेस पार्टी का, हमारे अध्यक्ष खड़गे जी का, जिन्होंने आज ऐतिहासिक ऐलान किया है कि हमारी सरकार बनेगी और हम एमएसपी का कानून बनाएंगे जिससे किसानों के साथ न्याय हो, और वही न्याय से किसान का जीवन सुधरेगा, इस देश का भविष्य बदलेगा। जय हिंद। आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।